हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस इस सब्जी की एक खास बात यह है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खुद घर पर बनाई है। इस सिंपल मसाला पनीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। इससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप फ्री में मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। मसाला पनीर बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप टमेटो का प्यूरे, 1 कप चॉप्ड शिमला मिर्च, 1 कप ऑनियन, पनीर लिया है मैंने यहाँ पे 200 ग्राम, 2 बड़े चम्मच लिया है मलाई और 1 बड़ा चम्मच लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ड्राई मसालों में मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, मीडियम साइज की दालचीनी और 1 हरी इलायची और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिया है। और जो मैंने 2 टेबल स्पून मलाई ली थी ना, उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच भरकर दही ऐड कर रही हूँ। ये मीठा दही है। मलाई और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि यह मिक्सचर क्रीमी ना हो जाए। ये जो मिक्सचर तैयार किया है ना, इससे सब्जी में एक बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। ये तैयार हो गया है, चले अब हम सब्जी बना लेते हैं। अब पैन को मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है और इसमें 2 टेबल स्पून ज़्यादा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें दालचीनी और हरी इलायची डालेंगे। आप इसमें बेलीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन, इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। फूडीज, पनीर में शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हमेशा पनीर की सब्जी में शिमला मिर्च का यूज़ करती हूँ, तो आप भी इसका यूज़ ज़रूर करें। अब मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई मसाले, इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटो का प्यूरे, इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। एक मिनट हो गए हैं, ये देखिए मसालों ने कैसे ऑयल छोड़ दिया। इस समय मैं ऐड कर रही हूँ मलाई और दही का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, इसे मसालों के साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए फिर से इसे कवर कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ऑयल पूरी तरह ऊपर आ गया है। अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पनीर ऐड कर रही हूँ, इसे लगातार चलाते रहेंगे और 1 कप इसमें पानी डालेंगे, जितनी थिकनेस हमें ग्रेवी की चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। अब इसमें हरा धनिया डालकर 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके और पका लें। ये देखिए पनीर की सब्जी पूरी तरह तैयार हो गई है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी सुपर डुपर मसाला पनीर की सब्जी। इसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये सब्जी आपने रेस्टोरेंट से मंगवाई है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।